Hey guys, welcome back to my channel Beauty Investigation Department. मेरे आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन वाइटनिंग टोमेटो फेशियल एट होम इजीली. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो ड्यूरिंग ब्यूटी इन्वेस्टिगेशन एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोमेटो फेशियल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक राइप टोमेटो. इसको अच्छे से वॉश करके पहले एक छोटी स्लाइस में कट कर लीजिए. इस स्लाइस को बचा के रखिए, ये हमारी स्क्रबिंग के टाइम इस्तेमाल करेंगे. और जो बाकी के जो टोमेटो है उसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर ले. इसको हमें ग्राइंड करना है और टोमेटो पेस्ट बनानी है जो पूरे फेशियल प्रोसेस में काम आएगा. तो फेशियल की सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग. इसके लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क. 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क लीजिए, उसके साथ टोमेटो पेस्ट ऐड कीजिए. अब फेस को थोड़ा वॉश कर लीजिए, उसके बाद एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर लीजिए इस मैजिकल क्लींजर को. टोमेटो में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, ये हमारी फेयरनेस को बढ़ाती है, त्वचा की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्टर्न बर्न को ट्रीट करता है और साथ ही साथ एक्ने को भी प्रिवेंट करता है. मैं यहाँ ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं. टोमेटो एक बहुत अच्छी क्लेंसिंग तत्व है और रॉ मिल्क जो है बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए. ये पूरा डर्ट और ऑयल जो है आपके फेस में वो सारे निकालेगा. रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होते हैं जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, सेलेनियम होते हैं जो सनबर्न को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है. तो इस क्लेंजर से आप जब क्लीन करेंगे अपनी फेस, उसके बाद जब नॉर्मल वाटर से आप धो लेंगे तो एक अलग ही ग्लो नजर. फिर 5 मिनट वेट करने के बाद धो लीजिए. हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग. इसके लिए हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट, 1 स्मॉल टीस्पून शुगर एंड 1 टीस्पून चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर. अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. ध्यान रखिए शुगर जो है यानी कि चीनी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, आधा डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग के लिए हमें ज्यादा बड़ी दाने भी नहीं चाहिए और बिल्कुल डिजर्व भी नहीं होना है. अब गौर से देख सकते हैं कि इसका जो छोटे छोटे दाने हैं वो और भी छोटा हो गया है और ये स्क्रबिंग के लिए परफेक्ट है. क्लेंसिंग के बाद अपने फेस पे स्क्रबर को अप्लाई कीजिए. शुगर एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग स्क्रब होते हैं एक्सफोलिएशन के लिए. यह आपकी त्वचा से डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और ऊपर के जो डर्टी लेयर होते हैं वो आराम से रिमूव करता है और आपकी स्किन को शुद्ध करता है. चावल का आटा में एंटी एजिंग तत्व है एंड ऑयल एब्जॉर्बिंग तत्व है और स्किन वाइटनिंग तत्व है जो आपकी स्किन को लाइटर, वाइटर एंड ब्राइटर बनाता है. जाने तक वेट कीजिए. फिर जब ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद जो हमने टोमेटो के एक छोटा स्लाइस अलग करके रखे थे उसके साथ मसाज कीजिए. फेस मसाज आपकी स्किन को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है, क्योंकि फेस मसाज के कारण आपकी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टिमुलेट होता है. अब बारी आती है फेस पैक की. फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट, 1 छोटी चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन.
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन का इस्तेमाल ना करें, आप रोज वाटर और एलोवेरा जेल इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब स्क्रबिंग हो जाए फेस को धो लीजिए। उसके बाद आपको ये मैजिकल फेस पैक लगा लेना है। ध्यान रहे अब हाथ से भी यूज करें तो हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिए और अगर ब्रश से यूज करें तो ब्रश को भी धो लीजिए। ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन एक्ने को ट्रीट करता है, ज्यादा सेबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इनफ्लेम स्किन को सूथ करता है, टैनिंग को भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को गोरा बनाते हैं। लेमन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है जो स्पॉट्स को लाइटन करता है, एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अपने पूरे फेस पे इस फेस पैक को लगा लीजिए, एक भी जगह नहीं छोड़ना है, बस आईज का जो नीचे के जिससे जो एरिया है उसको छोड़ के। ये जो टोमेटो फेशियल है ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में ही मिल जाएंगे, तो जस्ट हर्री अप एंड डू इट एंड ऑफ कोर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट। फेशियल के एकदम लास्ट प्रोसेस में आपको जो करना है वो है एक आइस क्यूब्स लेके मसाज करना है। आइस क्यूब्स में क्या होता है कि आपके फेशियल के कारण जो पोर्स ओपन हो गया है स्क्रबिंग के बाद वो सब क्लोज हो जाएगा और कोई भी डर्ट ऑयल जम नहीं पाएगा। फिर एक टॉवल लीजिए या फिर सॉफ्ट पीस ऑफ क्लोथ लीजिए और अपने फेस को पोंछ लीजिए। उसके बाद एक लाइट मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। बस नेक्स्ट 2 डेज तक आप स्क्रबिंग बिल्कुल ना करें और ट्राई करें कि आप ये फेशियल रात को करें, क्योंकि आपको डायरेक्ट सन में नहीं जाना है इस फेशियल को करने के तुरंत बाद ही। You can see a visible difference in my skin. It looks so glowing. आप ही ये घर पे ट्राई करें, मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा है। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो आप ये फेशियल ना करें और करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे सारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो और मुझे कमेंट्स जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद ब्यूटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टू स्टे ब्यूटीफुल। लव फॉर यू फ्रॉम बीआईडी।